डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन का आज मैं सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको सॉल्यूशन के चैप्टर के जो सिलेबस था, जिन जिन पॉइंट्स का हम स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक में, उन टॉपिक्स की ब्रीफ आपको मैंने जानकारी दी थी। आज हम अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका जो सिलेबस का पहला पॉइंट था, डेफिनेशन किसकी, सॉल्यूशन की, और उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। जनरली आपके चारों ओर जितने भी मैटर पाए जाते हैं उनको हम जनरल दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर, जैसा कि आपको पता है कि आपने अर्ली क्लासेस में देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि जो प्योर होते हैं यानी कि वो सेम प्रॉपर्टी दर्शाएं, यानी कि पूरे मैटर का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वो एक हो, या यूँ कह सकते हैं जो एक ही प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना हो। पर ऐसी स्थिति में हम सबसे ज़्यादा प्योर किसको मान सकते हैं, केवल एलिमेंट एक ऐसे हैं जो कि प्योर होते हैं, क्योंकि उनमें सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। अदर देन कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो या दो से अधिक प्रकार के आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनके द्वारा बनते हैं, फिर भी हम प्योर मॉलिक्यूल कह सकते हैं, प्योर कंपाउंड कह सकते हैं, क्योंकि जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो उस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी आपका मॉलिक्यूल बना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट आपने लिए और इसकी एक निश्चित केमिकल कंस्ट्रक्शन के द्वारा क्या हुआ, H2O का फॉर्मेशन हुआ। और जब H2O बना है तो H2O की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर सारे ही मॉलिक्यूल H2O के हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो एलिमेंट के हिसाब से तो क्या हो गए, वो अलग दो प्रकार के एलिमेंट होने के कारण इम्प्योर है, लेकिन दोनों के मिलने से एक नई प्रॉपर्टी आ गई H2O, जो अपने खुद की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। और सारे ही मॉलिक्यूल जो H2O में प्रेजेंट है उनकी सभी की सिमिलर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह प्योर मॉलिक्यूल है। इसी तरह से कंपाउंड हो सकता है, लेकिन जब कोई ऐसा मैटर हो जिसके अंदर दो प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी शो हो, यानी कि उसके कुछ पार्ट द्वारा केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो, कुछ पार्ट द्वारा केमिकल प्रॉपर्टी अलग शो हो, यानी कि दो केमिकली रूप से डिफरेंट है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम उसको क्या कहते हैं, जनरली इम्प्योर कहते हैं। और जितने भी मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर का मतलब हो गया जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट होंगे पर केमिकली रूप से वो एक दूसरे के साथ सेपरेट है और फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है हम इसको क्या मानते हैं, एक मिक्सचर मानते हैं। मिक्सचर क्यों, क्योंकि इसमें कम से कम दो कंपोनेंट को आपस में मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। जब आप दो कंपोनेंट को परस्पर मिक्स करते हैं और मिक्स करने पर उनका एक होमोजीनियस फेज प्राप्त हो आपको, यानी कि जो आप दो कंपोनेंट मिला रहे हैं उनके मॉलिक्यूल की साइज दोनों की एक समान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जब आप उसको बाहर से देखेंगे तो देखने पर आपको एक ही फेज दिखाई देगी। तो होमोजीनियस फेज यानी कि आपकी एक ऐसी अवस्था जहां पर कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट प्रेजेंट हो लेकिन देखने पर आपको क्या दिखाई दे, एक फेज ही दिखाई दे, वो आपकी होमोजीनियस कहलाएगी, जहां पर मॉलिक्यूल की साइज सबकी क्या हो जाती है, एक जैसी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ए होमोजीनियस मिक्सचर विच मेड बाय टू और मोर देन टू कंपोनेंट, यानी कि आप दो से अधिक कंपोनेंट को परस्पर मिक्स करेंगे लेकिन वहां पर जो आपको अवस्था या फेज दिखाई देगी वो क्या होगी, होमोजीनियस होगी। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने नमक लिया NaCl जो सॉलिड फेज में है, इसके अलावा H2O उसके साथ आपने क्या किया, सॉल्वेंट के रूप में यूज किया, तो H2O में उसको डाल दिया, वो लिक्विड फॉर्म है। अब आपने जैसे ही NaCl को H2O में डालते हैं और जब वह सोल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है, तो आपको NaCl का एक्वस सॉल्यूशन प्राप्त होगा। AQ का मतलब एक्वस, यानी कि जलीय विलयन आपको NaCl का प्राप्त होगा। पर ऐसी स्थिति के अंदर अब आप देखोगे तो NaCl जो सॉलिड है, जो व्हाइट दिखाई देता है, वो यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, और H2O जो आपका लिक्विड फेज में है, तो यहाँ पर दोनों ने मिलकर क्या किया, एक ही फेज प्राप्त कर ली, लिक्विड फेज। और इसको देखने पर आपको NaCl अलग से दिखाई नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि NaCl की साइज जो थी मॉलिक्यूल्स की वो छोटी हो गई है, यानी कि वह NaCl का जो लेटिस होता है वह टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल गया, और H2O और NaCl की साइज लगभग बराबर हो जाती है मॉलिक्यूल की। ऐसी स्थिति में जब आप देखते हैं तो सेम साइज की मॉलिक्यूल होने के कारण आपको एक ही फेज दिखाई देती है। तो सॉल्यूशन में आपके जनरली दो पार्ट होंगे, कम से कम दो कंपोनेंट होना जरूरी है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपने जल लिया, पानी लिया, उसके अंदर आप नमक डाल दिया, नमक के साथ आपने और उसमें ग्लूकोज मिला दिया, शक्कर और मिला दी, तो ऐसी स्थिति में कंपोनेंट बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कम से कम दो, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन आपका होगा, बाइनरी तो कम से कम होना ही, क्योंकि दो अवयव होंगे जिसमें से एक अवयव होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब हो गया, जो
लार्ज स्केल पर होता है उसको हम सॉल्वेंट कहा जाता है, और जो लो स्केल पर होगा उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के फॉर्मेशन पर जो सॉल्यूशन जिस फेज में आता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट लिए, तो जिस कंपोनेंट की फेज सॉल्यूशन के फेज में आती है वह आपका सॉल्वेंट होता है। जैसे यहां पर आपका लिक्विड था, यह सॉल्यूट था, सॉल्यूशन कौन सा मिला? लिक्विड मिला। इसका मतलब लिक्विड कौन था? H2O था। इसलिए इसको क्या माना जाएगा यहाँ पर? सॉल्वेंट। और ये क्या माना जाएगा यहाँ पर? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण। अब बात करें कि जब आप दो चीजों को मिला देते हैं तो एक नई आपको सॉल्यूशन जो प्राप्त हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी? तो नंबर एक प्रॉपर्टी, सिंगल फेज, आप उसमें से दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिला है लेकिन आपको अवस्था क्या मिलेगी, फेज क्या मिलेगी? सिंगल मिलेगी। सेकंड चीज है साइज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो बड़ी साइज में होते हैं वो जैसे ही आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो उनका लैटिस टूट कर छोटी छोटी साइज में विभक्त हो जाता है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल में सेपरेट हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक सॉल्यूशन के अंदर जनरली मॉलिक्यूल की जो सॉल्यूट की साइज होती है वो 10^-7 से 10^-8 सेंटीमीटर के आसपास होगी। फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, कैन नॉट बी सेपरेट सिंपल फिजिकल मेथड, यानी कि जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उनको सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे छान लिया आपने वो अलग नहीं हुआ, नमक के पानी को अगर आप छानते हैं फिल्टर पेपर से भी छानते हैं तो दोनों ही एक साथ निकल जाते हैं, यानी कि सेपरेट नहीं होंगे। क्लियर है? यानी कि इनके लिए आपको सेपरेट किया जाएगा लेकिन सेपरेशन के लिए आपको एक स्पेसिफाई फिजिकल मेथड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द फिजिकल प्रोसेस। कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपने मिला दिया है तो वहां पर केमिकली रूप से कोई चेंज नहीं आने वाला है, केवल फिजिकली प्रॉपर्टी जो होती है वो बदल जाएगी। NaCl के अंदर NaCl और H2O को मिलाने पर NaCl की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी। ठीक है ना? H2O की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? जैसे उसकी विस्कोसिटी होगी, डेंसिटी होगी, ठीक है ना? ऐसी सारी चीजें जिसमें आपका ऑप्टिकल जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्शन है, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है? इसमें चेंज हो जाती है, यानी कि फिजिकल चेंज होगा किंतु केमिकल चेंज नहीं होगा। नेवर लॉस एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हिज केमिकल प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने बताया कि आपके अंदर जो भी कंपोनेंट हैं वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज लाएंगे लेकिन केमिकली रूप से कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आप नमक के विलयन में नमक का वही टेस्ट प्राप्त होगा आपको, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नमक ने अपना केमिकली रूप से कोई चेंज कर लिया है। सेकंड थिंग, फिजिकल प्रॉपर्टी गैजुअली चेंज। अगर सॉल्यूशन आपने बनाया है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपने उसमें सॉल्यूट कितना मिलाया है। जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट मिलाते हो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा? चेंज आता जाएगा, ठीक है ना? तो ये जो आपका पॉइंट है कि डेफिनेशन क्या हो गई, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें टू और मोर देन टू कंपोनेंट हो सकते हैं। और फिर उसके बाद जो मेन प्रॉपर्टी, जब आपका सॉल्यूशन बनेगा तो आपका सॉल्यूशन में होमोजीनियस होने के कारण सिंगल फेज होगी, कोई भी आपका केमिकल चेंज नहीं होगा, दोनों प्रेजेंट रहेंगे पर केमिकल रूप से प्योर रहेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई लॉस होने वाला नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की किस पर डिपेंड करती है? तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर, सॉल्यूट कितना मिलाया आप पर, ठीक है? और इसके अलावा इनको सिंपल मेथड्स के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इनको सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अलग से कोई विशेष जो स्पेसिफाई फिजिकल मेथड होते हैं उनका यूज किया जाएगा, यानी कि उनको आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना? सेपरेट करने पर वापस ये प्योर रूप में अपने को मिल जाएंगे। NaCl वैसा का वैसा मिल जाएगा, H2O आपको अलग से प्योर मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आपका पहला पॉइंट, डेफिनेशन है प्रॉपर्टी।